लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें LKO मस्ती चैनल को और देखते रहें हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले। वेलकम माय टू फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है LKO मस्ती। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। क्यों खास होने वाला है? क्योंकि आज हमारे साथ हैं प्रभात भाई। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आप सब जानते हैं कि जब भी प्रभात भाई हमारे साथ आते हैं तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मकान जो है लेकर के आते हैं। आज जो मकान लेकर के आए हैं वो कुछ अलग हट करके है और काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी अच्छी रेंज में है। अभी हम कहां पर खड़े हैं सबसे पहले प्रभात भाई वो बताएंगे। और सबसे पहले तो सारे व्यूवर्स से एक बार हेलो बोल दीजिए भैया। हेलो, अभी हम लोग कहाँ पर खड़े हैं? अभी हम लोग भाई IM रोड पर खड़े हुए हैं, मेन आई एम रोड। अगर हम लोग देखिए, मकान तो यहाँ से थोड़ा सा हट करके, यानी IM रोड से कितनी दूरी पे होगा? 500 मीटर होगा। 500 मीटर जी। जो लोग बाहरी हैं हमारे भाई, उनको थोड़ा IM रोड के बारे में समझाइए कि IM रोड जो है आज की डेट में इस रोड का क्या मतलब वो है। भाई ये नेशनल हाईवे है, इधर जाएंगे तो ये सीतापुर रोड पे जोड़ता है। सीतापुर जाने के लिए इधर आपको कानपुर हरदोई, अच्छा ये इधर मिल जाएगा आपको। यानी कि कनेक्टिविटी काफी अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है आपका जो है। इधर निकल जाएंगे एयरपोर्ट सीधा, हाँ, चले जाएंगे एयरपोर्ट, चले जाइए चारबाग, चले जाइए आलमबाग, चले जाइए कानपुर, चले जाइए। क्या बात है। तो चारबाग की बात की तो भाई ये बताइए चारबाग यहाँ से कितना दूर होगा? चारबाग यहाँ से भाई कम से कम 12 किलोमीटर होगा। 12 किलोमीटर तो चारबाग यहाँ से होगा 12 किलोमीटर। ये रोड है काफ़ी फेमस, बहुत फेमस रोड ये हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ये हाईवे है, 24 घंटे गाड़ी आपको यहाँ पर मिलेंगी। कन्वेंस की यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कितनी दूरी पे बताया मकान? 500 मीटर। 500 मीटर मात्र 500 मीटर की दूरी है मकान, मेन IIM रोड से 500 मीटर की दूरी पर मकान है। तो आइए हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि मकान किस जगह पर है, कैसे बना हुआ है, कितने स्क्वायर फिट का है, क्या प्राइस होगा। लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आने वाली अच्छे से। और अगर सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो फटाफट कॉल करिएगा जो नंबर दिया गया है प्रभात भाई का, और इस मकान को बुक करिएगा। आइए चलते हैं। अभी हम देखो यहाँ पर आ चुके हैं और ये क्या है? एल्डिको रिगारिया। अच्छा, एल्डिको रिगारिया। और ये देखिए अंदर यहाँ पर जो आप देखेंगे तो हमें लग रहा है कि इसमें विलास बने हुए हैं जी, है ना। ये गेट है और यहीं से एंट्री है। इसमें प्रभात भाई क्या मतलब विलास हैं या फ्लैट्स हैं? इसमें विलास बने हुए हैं भाई, फ्लैट्स नहीं है। अच्छा, विलास बने हुए हैं, इंडिपेंडेंट बने हुए हैं। अच्छा, बस ये भी स्टार्टिंग भी इनकी 60-70 लाख से है। अच्छा, यहाँ पे स्टार्टिंग 60-70 लाख रुपए में है मकान, है ना जी। ठीक है, तो अभी हम लोग चल रहे हैं सीधा मकान पे। और जैसा कि भाई ने बताया कि 500 मीटर आपका जो है बगल में ही है बिल्कुल, तो बस हम वहीं चल रहे हैं। हमें आगे से लेफ्ट मुड़ना है और सीधे मकान पर हम पहुंच जाएंगे। और सब 25-25 फीट के डामर रोड है भाई यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत मकान लोग बना रहे हैं। और ये देखिए, और आपका जो ये मकान दिखाने के लिए हम चल रहे हैं प्रभात भाई, कितने स्क्वायर फीट का है वो? 1080 स्क्वायर फीट का है। देखिए इधर भी मकान बने हुए हैं और इधर की जो लोकेशन है वो काफ़ी अच्छी है। ये देखिए यहाँ पे रोड जो मिल रही सामने वो कितनी? 25 फीट का है भाई, 25 फीट का डामर रोड। डामर रोड है, आप देखिए सामने काफ़ी जो है मकान बने हुए हैं और काफ़ी खूबसूरत। आजकल जो है लोग सोलर लाइट बहुत लगा रहे हैं, ये देखिए ज़्यादातर छतों पे जो है सोलर मिल रहा है आजकल जी। यहाँ पे देखिए लाइट प्रॉपर सारी चीज़ें मतलब जो है आपको, और रोड काफ़ी चौड़ी है। तो अभी आप देखिए हम लोग आ चुके हैं मेन लोकेशन यानी कि अपने मकानों पर, जहाँ पर मकान है। और फ्रंट की जो रोड की अगर बात की जाए तो 25 फीट का रोड है और मकान देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं।
ये देखिए, ये दो मकान बने हुए हैं जिनकी लंबान चौड़ान कितनी है वो अभी प्रभात भाई आप लोग को बताते हैं। बाकी यहाँ पे अगर एरिया की बात की जाए आसपास की तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये देखिए उस तरफ भी मकान बने हुए हैं, वो जो अभी हम लोग आए हैं जहाँ से, ये देखिए एलडीगो का गेट जो दिखे थे आप वो सामने दिख रहा है, ये देखो। और इधर अभी देर बिटे ठीक है दोस्तों, मकान जो है सबसे मेन चीज़ ये है कि काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और आप खुद देख सकते हैं कि मकान का जो फ्रंट है वो कितना होगा, लगभग 20x54 है, यानी कि 20 इसकी जो है फ्रंट है और गहरान 54 है, 1080 स्क्वायर फीट टोटल एरिया है। अच्छा, टोटल एरिया 1080 स्क्वायर फीट का। अब ये बताइए कि पूरा कितना बना हुआ कवर्ड एरिया, 1600 स्क्वायर फीट में कवर्ड एरिया है इसका, ठीक है। अब हम देखेंगे पूरा नीचे से लेकर के ऊपर तक मकान, तो आइए फटाफट। सबसे पहले तो आपको मिलती है देखिए पार्किंग, जो कि आपको ये मिल रही है अच्छी खासी बड़ी गाड़ी, बड़ी कार आ जाएगी आराम से, खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल रहा है देखिए इन्वर्टर के लिए पॉइंट, जीने यहीं से चढ़े हुए हैं आपके, जिसमें प्रॉपर आपको रेलिंग और मार्बल जो है लगा करके मिल रहा है। थोड़ी सी जगह आपको यहाँ पर मिलती है जिसमें आप जो है गार्डनिंग अपनी बाइक चाहे खड़ी कर सकते हैं, या अगर नहीं तो अपना जो है यहाँ पे आप गमले लगा सकते हैं और भी अपने जो समस्त जो भी आप करना चाहें। फिर आपको मिलते हैं दो एंट्री यहाँ पे, एक आपकी मेन एंट्री ये है, एक आपकी ये गेस्ट रूम्स है जी। तो आइए हम यहाँ से ही अंदर चलते हैं। तो सबसे पहले हम जब यहाँ पर आते हैं तो आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी आपको जो है फॉर सेलिंग ऊपर मिल रही है, जिसमें लाइट वगैरह प्रॉपर लगी हुई हैं। टाइल्स की अगर बात करें तो टाइल्स भी काफ़ी अच्छे इसमें जो है लगाए गए हैं। प्रभात भैया, इसमें जो भी चीज़ें लगी हैं सब ब्रांडेड है भाई, सब ब्रांडेड है, वो अगर कोई चाहे तो अपना जो है पूरा चेक कर सकता, हाँ, चेक कर सकता है ना। यहाँ पर आप देखिए प्रॉपर आपको जो विंडो दिया गया है उसमें आपको जो है ये नेट भी लगा हुआ है, उस तरफ से भी आपकी जो है हाँ ग्लास भी लगा हुआ है और इधर से नेट लगा हुआ है, डबल इसमें डोर लगा, हाँ, डबल डोर है ना। बाकी यहाँ पे ये देखिए आपके एसी के लिए भी दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे विंडो लगाना चाहें तो अपना बाहर से विंडो लगा सकते हैं। डोर की अगर बात करें तो डोर में लॉक से लेकर के और डोर की भी अगर बात की जाए सब ब्रांडेड है भाई, तो ब्रांडेड डोर हैं आपके। लॉक की बात की जाए तो इसमें ये फिटिंग लगी हुई है लॉक की, लॉक की देखिए काफ़ी अच्छी फिटिंग लगी हुई है, इसमें आपका जो है प्रॉपर सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं। और इसका भाई एरिया 10x14 है। अच्छा, इसका जो एरिया है वो 10x14 है, तो 10x14 का आपका ये हो गया ड्राइंग रूम। और उसके बाद फिर जब हम इधर आएंगे तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉल आपको मिल रहा है डाइनिंग का, ये आपका हो गया डाइनिंग का एरिया, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया अगर देखा जाए तो, बहुत स्पेस है भाई, 16x14 का ये है, 16x14 का स्पेस है। बहुत सारे लोग चाहते हैं इस तरीके का स्पेस, यहाँ पे आप बेहतरीन सा 8-सीटर अगर चाहें तो आप जो है बड़ा सा डाइनिंग टेबल डाल सकते हैं, पूरे परिवार के साथ अपना बैठ सकते हैं। और ये आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है फॉर सेलिंग और लाइट और ये सारी चीज़ें कंप्लीट आपको मिलेंगी। और उसके बाद फिर आइए किचन की ओर चलते हैं, जो कि मेन आपका किचन, तो भाई तो ये है किचन आपका, मॉडलर किचन है भाई, मॉडलर किचन है विद चिमनी के साथ लगी हुई में है। और इसमें जो वर्क हुआ है आप देखिए काफ़ी बेहतरीन है। और ये देखिए ये कंप्लीट आपको सारी चीज़ें आपको करके मिल रही हैं, इसमें सारी चीज़ें अपना लगी हुई हैं और जो कुछ भी इसमें है वो सब, सब ब्रांडेड ब्रांडेड है, जो भी लगा ये देखिए सेरा की लगी हुई है और एंकर के सारी चीज़ें लगी हुई हैं फिटिंग। तो आइए अब हम आपको बेडरूम दिखा देते हैं। यहाँ पर ये बेडरूम है, ये है हमारा अटैच वॉशरूम भी है इसमें, तो ये देखिए ये कितना बड़ा है भाई, ये 10x14 का भाई, तो 10x14 का एक रूम ये मिलता है, 10x14 का उधर वाला भी होगा, वो भी है, तो दोनों हम आपको दिखाते हैं। ये अटैच टॉयलेट है। अच्छा, इसमें अटैच टॉयलेट है, जो कि आप टॉयलेट भी देख सकते हैं, पूरी सेरा की फिटिंग है इसमें, टॉयलेट भी आप देखिए, तो ये टॉयलेट है। डोर की अगर बात करें तो हर जगह डोर जो है वो एक ही डिज़ाइन में मतलब दिए गए हैं, प्रॉपर आपको अंदर से वहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा सब बेहतरीन, लॉक्स वगैरह एक ही कंपनी के सब लगे हैं। ये देखिए ये विंडो आपको यहाँ पर मिलता है, जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है रोशनी रहे मकान के अंदर,
ऊपर भी आपको देखिए वेंटिलेशन के लिए दिया है, जब चाहे खोल सकते हैं, जब चाहे अपना बंद कर सकते हैं। फिर उसके बाद आइए इधर, ये आपका OTS है भाई, ये OTS आपको मिल रहा है। अच्छा, OTS का रास्ता सिर्फ इसी रूम हाँ, से इसी रूम से यहाँ पे आपको देखिए ये हाथ धोने के लिए लगा हुआ है, बाकी ये ऊपर देखिए आपको खुली पूरा यहाँ ये ऊपर से कवर्ड हो जाएगा, ये कवर्ड हो जाएगा भाई। और फिलहाल खुला हुआ है, बाकी अगर आप कहेंगे तो कवर्ड करा दिया जाएगा, वरना आप भी करा सकते हैं। वेंटिलेशन देखिए दोनों तरफ से ये और यहाँ पर भी एक इस रूम का विंडो ये दिया हुआ है, तो आइए उस रूम में भी चलते हैं। यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन का दिया हुआ है, टैब बना हुआ है, टैब बना है, अगर यहाँ पे अपना यूज करना चाहते हैं तो अपना रख के वॉशिंग मशीन कर सकते हैं। अब आइए बगल वाले में हम चलते हैं, तो बगल वाले रूम में जब हम जाएंगे ये देखिए तो सेम वही है भाई। और इसमें भाई ये क्या है, इसमें भी है, इसमें स्टोर रूम है। अच्छा, ये स्टोर रूम है, अच्छा ठीक है, तो ये स्टोर रूम है, ये देखिए इसमें स्टोर रूम भी दिया हुआ है, फॉसलिंग प्रॉपर सारी इसमें भी दी हुई है। और ये भी कितना है, 10x14 का रूम एक ये भी है। इसमें देखिए ये प्रॉपर विंडो आपको मिल रही है जो उधर से भी हमने दिखाया था, ये आपका जो है स्टोर रूम है, ये देखिए स्टोर रूम बना लीजिए, चाहे पूजा घर बना लीजिए, हाँ मतलब वो अपने हिसाब से यूज करना चाहें आप कर सकते हैं। बाकी देखिए ऊपर तक पूरा जो है वो पॉइंट दिया हुआ है। अब आइए हम ऊपर चलते हैं, ऊपर भी आपको दिखाते हैं कि ऊपर जो है किस तरीके से बना हुआ है, क्योंकि ये पूरा 1600 बना हुआ है ना भाई। हाँ, कवर्ड एरिया 1600 कवर्ड एरिया 1600 है, तो अभी हम ऊपर चलेंगे। हाँ, आपको वॉशरूम दिखा देते हैं, तो ये आपका जो है कॉमन वॉशरूम है, जो कि आपका ये देखिए इसमें आपको जो है सारी चीज़ें कंप्लीट मिलेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा रोशनी की कमी है, लेकिन हम आपको दिखा दे रहे हैं, सेरा की पूरी फिटिंग है, टाइल्स लगे हैं, और ऊपर इधर जो है गीज़र के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है, सब कुछ पूरा कंप्लीट इसमें आपको मिलेगा। यहाँ पर ये देखिए ये हाथ धोने के लिए लगा हुआ है, यहीं से आपका जो है समरसेबल चलेगा। ये वेंटिलेशन आपको यहाँ से दिया हुआ है, इसी से पाइप बाहर है आपका जो है उसका भी, चिमनी का पाइप भी यहीं से बाहर किया गया है। तो अब आइए हम ऊपर चलते हैं, ऊपर जब चलेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मार्बल यूज हुआ है, और ये आपका रेलिंग कंप्लीट आपको लगा करके दी जा रही है। ऊपर आएंगे तो यहाँ भी ये देखिए ये वेंटिलेशन के लिए छोड़ा हुआ है, सब जाल पड़े हुए हैं, ये जाल पड़ा हुआ है कि यहाँ पे रोशनी रहे, है ना। ये आपको चेयर डाल करके अपना यहाँ बैठ सकते हैं, चेयर डाल के बैठ सकते हैं। ये आपकी बालकनी हो गई, ये बालकनी हो गई। यहाँ पे आप देखिए ये प्रॉपर तरीके से ग्लास लगे हुए हैं, टफन ग्लासेस, और ये जो है आपका स्टील, ये भी मतलब सब प्रॉपर कंपनी का ही प्रॉपर फिटिंग है जो भी लगी है ना। एक रूम ऊपर ही मिल जाता है आपको, ये देखिए ये आपका एक बेडरूम है, तो ये एक बेडरूम है विद टॉयलेट, हाँ टॉयलेट, अटैच टॉयलेट है, अटैच टॉयलेट, टॉयलेट भी आप देख लें। और इसमें भी प्रॉपर आपको ये देखिए ये विंडो दिया गया काफ़ी बड़ा, जिससे प्रॉपर आपको वेंटिलेशन मिले, और फॉर सेलिंग भी प्रॉपर दी गई है। एरिया नहीं है, 10x14 ये भी है। अच्छा, 10x14 का एक रूम ऊपर भी है। हाँ। और पूरी फिटिंग कंप्लीट यहाँ पर आपको मिल रही है, ये देखिए यहाँ भी टाइल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट। और अब आइए उधर चलते हैं, छत पे भी जो जगह खाली है वो भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ऊपर तक पूरे डोर जो लगे हुए सेम सारे, नीचे से लेकर के ऊपर तक। यहाँ पर आप देखिए कि प्रॉपर कॉलम पे जो है ये मकान बना हुआ है, जिसमें आपके कॉलम छुटे हुए हैं, अगर आप ऊपर बनाना चाहते हैं। 9x18 के कॉलम है भाई इसमें। हाँ, मतलब ये 9x9 वाले नहीं है, 9x18 के कॉलम है ये, जो काफी मजबूत है ना। और दोनों के अलग अलग कॉलम है, दोनों के अलग अलग, उधर का अलग है इधर का अलग है, और दो मकान ये है ना। हाँ, दो मकान है कम्प्लीट। देखिये जिस तरीके का मकान ये है उसी तरीके का वो बगल वाला है। पूरा एरिया चारों तरफ का अगर आप देखें तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी सोसाइटी है, काफ़ी अच्छे लोग बस रहे हैं यहाँ पे। ये मान के चलिए कि 1000 स्क्वायर फीट, 1200, 1500, 2000 मकान लगभग यहाँ बने हुए हैं। भी देखिए तो एक अच्छी सोसाइटी यहाँ पर है, चौड़ी रोडें हैं और सारी फैसिलिटी मिल रही है, सारी फैसिलिटी है। ये बगल में आपका एल्डिको रिगारिया है, देखिए बाउंड्री है उसी की। अच्छा, ये हाँ। बगल में जो दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको जो है आप आएंगे विजिट करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ वाकई में जिस जगह पर हम आए हुए हैं
तो बेहतरीन है, हाईवे से बिल्कुल बगल में है कि नहीं? हाँ, 500 मीटर पे हाईवे है भाई, यहाँ से जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाइए, साधन मिलता जा सकते हैं जिधर भी आप जाना चाहें। बाकी जो है ये मकान जो है फेसिंग इसकी क्या है? ईस्ट फेसिंग है, पूरा फेस का है। अच्छा, पूरा फेस का ये मकान? पूरा फेस का है, तीन कमरे आपको सेपरेट मिलेंगे, ठीक है। ड्राइंग डाइनिंग मिलेगी, बड़ी कार पार्किंग मिलेगी, ठीक है। दो आपका एक कॉमन टॉयलेट है, दो अटैच टॉयलेट है। अच्छा अच्छा, दो अटैच है। हाँ, एक कॉमन टॉयलेट, एक कॉमन हो गया। तो ये सारी चीजें कंप्लीट जो है रहेंगी। यहाँ से डिस्टेंस चारबाग की अगर बात करें तो जैसा कि भाई ने बताया था 12 किलोमीटर, 12 से 13 किलोमीटर चारबाग आपको पड़ेगा। एयरपोर्ट की अगर बात करें तो एयरपोर्ट भी लगभग 17-18 किलोमीटर होगा। 17-18 किलोमीटर है। और टाइमिंग की अगर बात करें तो हाईवे आप अगर ये आईएम रोड पकड़ेंगे तो एयरपोर्ट जाने में आपको मुश्किल से मुश्किल हमें लग रहा है आधा घंटा रख लीजिए, है ना? मेन हाईवे है भाई, सीधे वहां जाते हैं, पहुंच सकते हैं, चारबाग पहुंच सकते हैं। तो मतलब पास ही पास में सारी चीजें, तो काफी बेस्ट लोकेशन है। एक बार जब आप आएंगे यहाँ पे देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। और इसका जो प्राइस है भैया, क्योंकि देखिए मकान में एक एक चीज कंप्लीट लगाई है और सब कुछ टोटल सारे ब्रांडेड लगे हुए हैं, कीमत इसकी मात्र 57 लाख रुपए रख रखी है। 57 लाख रुपए इस मकान की कीमत है, जिसमें डाउन पेमेंट कितना देना होगा? डाउन पेमेंट सैलरी अच्छी है तो 10-20% डाउन पेमेंट है। अच्छा, 80-90% बैंक भी फाइनेंस कर देता है। अच्छा, लगभग 90% बैंक फाइनेंस कर देगा, बाकी 10% आप दे करके इस मकान को ले सकते हैं, ठीक है। 10% यानी कि मान के चलिए वही करीबन 6-7 लाख। हाँ, 6-7 लाख है ना, 6-7 लाख रुपए दे करके बाकी अपना लोन करा सकते हैं। सैलरी इसके लिए आपकी कम से कम होनी चाहिए 70 प्लस हो तभी तब मतलब अच्छा, 90% बैंक करेगी। और ये एरिया लगता है मुतक्कीपुर। अच्छा, मुतक्कीपुर ये एरिया लगता है जी। यहाँ से बिटौली क्रॉसिंग आपका मान के चलिए 1.5 किलोमीटर है, ठीक है। सीतापुर रोड 1 किलोमीटर है यहाँ से, ठीक है। और आईएम रोड 500 मीटर है, दुबग्गा चौराहा 5-6 किलोमीटर है, और आपका वही फिर अवध चौराहा वो भी ऐसे ही है। तो एक आसानी से लोन भी हो जाएगा अगर आपकी प्रोफाइल बढ़िया है, सैलरी बढ़िया है, क्योंकि देखिए इतना बड़ा मकान इतना जो है कराने में सैलरी अच्छी होनी चाहिए भाई। मकान का एक तरीके से देखिए तो अच्छा खासा विला है। हाँ, विला है बिल्कुल। हाँ। तो एक बार आए, विजिट करें, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। बाकी तो भाई के पास बहुत सारे मकान है इस एरिए में, फैजुल्लागंज हो गया, केशव नगर हो गया, प्रीति नगर हो गया, भरत नगर हो गया, इन सब में प्रॉपर्टी मिलेंगी। अगर आपके पास जो है बजट कम है, आप चाहते हैं हमको 35 लाख वाला मकान चाहिए, 30 वाला चाहिए, 25 वाला चाहिए, 24 वाला चाहिए, तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई, वो भी मिल जाएगा आपको जो है कम रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन वही है कि लोकेशन चेंज होगी और जो है पैसे के हिसाब से आपको मकान मिलेगा, क्योंकि ये मकान जो है वो काफ़ी अच्छी लोकेशन पर भी है और काफ़ी अच्छा एरिया भी है। अगर आप एरिया देखें तो 1080 भाई बता रहे हैं, 20x54 का एरिया है। आप ऊपर देखिए, काफ़ी अच्छा खासा एरिया, आपको एक छोटा मोटा फंक्शन आपका निपट जाएगा, इतना एरिया खाली बचा ही हुआ है ऊपर, ठीक है। तो आज का ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर करिएगा व्हाट्सअप फेसबुक जहाँ भी आप कर सकते हैं। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा हमारे फेसबुक पेज को और शेयर करिएगा, इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो लखनऊ के अंदर चाहते हैं अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो अगर आप करेंगे शेयर तो शायद उनकी मदद हो इसी बहाने और उन तक ये प्रॉपर्टी पहुँचे और यहाँ पर आकर के वो विज़िट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ नया करते हुए, कुछ नया दिखाते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, गुड बाय।